जब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम है वो इसी ईयर नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा वो, यानी कि 2019 में होगा आपका एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम। तो बच्चे उस वीडियो पर जब आपने कमेंट की थी अपनी क्वेरीज, तो उन कमेंट्स में सबसे कॉमन क्वेरी जो थी वो ये थी कि नेक्स्ट ईयर तो सीईटी का एग्जाम होगा तो एसएससी सीजीएल 2018 कैसे होगा जब नेक्स्ट ईयर सीईटी शेड्यूल्ड है कि सीईटी का एग्जाम होना है फरवरी 2019 में। इस क्वेश्चन के साथ जो दूसरा क्वेश्चन मुझसे आप लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो एग्जाम है वो सीईटी में मर्ज तो नहीं हो जाएगा। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करूंगा इस वीडियो में, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक आरटीआई का रिप्लाई दिखाना चाहता हूं। ये लेटेस्ट आरटीआई है जो फाइल की गई थी सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग। आप यहां पर देख सकते हो जो क्वेश्चन है वो ये है, प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका सीईटी का जो एग्जाम है वो, इन विच मंथ सीईटी एग्जाम विल बी कंडक्टेड, व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न फॉर सीईटी एग्जाम, व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर सीईटी एग्जाम। तो जो रिप्लाई आया है वो आप क्लियरली पढ़ सकते हो, इन्फॉर्मेशन इफ एनी विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स। ठीक है, इसका मतलब अभी एज ऑफ नाउ तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, अगर होती तो वेबसाइट पर अपलोडेड जरूर होती। अब आ जाते हैं बच्चे आपके क्वेश्चन पे, जो है कि सीईटी एग्जाम फरवरी 2019 में होगा या नहीं होगा। तो अभी के लिए बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि सीईटी का जो एग्जाम है वो फरवरी 2019 में नहीं होगा, फरवरी में तो नहीं होगा, और अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर मिड में हो सकता है, मई के आसपास, उससे पहले सीईटी का एग्जाम नहीं होगा। एक जो दूसरा डाउट आप सबको आता है वो ये कि एसएससी सीजीएल 2018 सीईटी के अंदर तो नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका एसएससी सीजीएल 2018 का एग्जाम जरूर होगा और अलग से ही कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2017 कराया गया था। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हैं तो आप लाइक बटन को जरूर प्रेस करना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच जाए ये बात। बच्चे एसएससी सीजीएल 2019 का क्या होगा, आगे क्या होगा, वो सब बात की बात है, अभी अपना पूरा का पूरा फोकस आप रखो एसएससी सीजीएल 2018 पर, जो कि आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो, अपना जी जान लगा दो एसएससी सीजीएल 2018 के लिए। और आप सबसे बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इफ यू हैव गॉट अ शॉट एट विक्ट्री मेक डैम श्योर यू टेक इट, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक एसएससी सीजीएल 2018 लाइटली, बिल्कुल भी हल्के में मतलब एसएससी सीजीएल 2018 को, अपनी तैयारी करो, सिलेक्शन लो और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। एक बात मैंने अन अकेडमी पर भी बोली थी और मैं यहां पर भी आपको बोल रहा हूं कि कहने को आप क्रैश कोर्स नहीं है, जिस तरीके का टाइम हमें मिल गया है हम प्रॉपर कंप्लीट फुल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं एसएससी सीजीएल 2018 के लिए। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि 28,000 से ज्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया और पसंद किया मेरा जो कोर्स है एसएससी सीजीएल 2018 के लिए अन अकेडमी पर, वहां पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेसंस दे दिए हैं और रक्षाबंधन के बाद से आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी और इसके अलावा कुछ न्यू कोर्सेज भी मैं लॉन्च करूंगा एसएससी सीजीएल 2018 के लिए। ये जितने भी लेसंस और कोर्सेज हैं बच्चे ये 101% फ्री हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको बस अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद आपको सर्च करना है प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करने के बाद आपको फॉलो करना है, फॉलो करते ही आप जितने भी लेसंस हैं वो सारे अटेंड कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके भी प्रतियोगिता मंत्रा को फॉलो कर सकते हो अन अकेडमी पर। मैथ्स, अरिथमेटिक, एडवांस मैथ्स, नंबर सिस्टम, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन सब के कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद से आपको बहुत सारे कोर्सेज और न्यू लेसंस भी मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सिंसियरली डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करोगे एसएससी सीजीएल 2018 के लिए। मेरे लेवल पे मैं जो कुछ भी कर सकता हूं आप लोगों के लिए वो सब कुछ मैं करूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है तो पर्सनल ईमेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चों ने मुझे ईमेल किया है थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, मंडे के बाद से मैं आपको ईमेल के रिवर्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर चैट करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर जाके मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ख्याल रखो सारे, पढ़ते रहो, ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, गॉड ब्लेस यू ऑल।